हाय, मैं हूं विनीत कुमार सिंह और मेरे बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा है घर में सारा एकेडमिक सा माहौल रहा, तो पढ़ाई का एक दबाव हमेशा रहता था, मेरा मन नहीं लगता था, ये अलग बात है। उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में जाना हुआ। मैं एक्चुअली एनएसडी जाना चाहता था और इसके लिए मैंने बीएचयू में एडमिशन भी लिया था कि 3 साल में ग्रेजुएशन करके मैं फिर जब एनएसडी जाऊँगा तो घर पर बताऊँगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मतलब स्पेशली पापा को। लेकिन बीच में फिर मेडिकल के रिजल्ट्स आ गए जो सीपीएमटी के एग्ज़ाम दिए थे, तो फिर मेडिकल कॉलेज चला गया। जब वहाँ के कल्चरल फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया, देन आई वाज श्योर कि मैं यही करना चाहता हूँ। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि रास्ते ढूंढता हूँ। जब पढ़ाई कर भी रहा था तो बहुत क्लियर था कि मैं पापा के लिए पढ़ रहा हूँ और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि हाँ पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। उनको ये लगता था कि इतना सारा पढ़ने के बाद एमडी वेमडी करने के बाद तो ये जो बचपन का फितूर है इसका चला जाएगा, लेकिन जब डिग्री मिली और गया और मैंने डिग्री रखी, मतलब पापा ये रही डिग्री, मैं अब जा रहा हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस अब मुंबई ही रहेगा। एक्चुअली जब मैं आया था 1999-2000 में, तो उस समय कास्टिंग जो अभी है, अभी तो बहुत अच्छा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, चैनलाइज तरीके से चीज़ें हो रही हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था, जो फिल्म डायरेक्टरी होती है वो रखता था, उसमें से एड्रेस निकालता था और डेली 17-18 लोगों की लिस्ट बनाता था और निकल जाता था। तो जब घुसता था ऑफिस में तो वॉचमैन लोग पहले रोक लेते थे, कहाँ, मैं मतलब नहीं नहीं अंदर जाना है मिलने, किससे? तो मैं नाम ले देता था जिनकी ऑफिस होती थी। अच्छा बुलाए हैं? बोला नहीं बुलाए तो नहीं है, किस लिए मिलना है? बताता था एक्टर हूँ, मतलब ऐसे नहीं होता, चलिए। अब जब वो पहचान जाते थे तो लिटरली ऐसा होता था कि सड़क के उस पार में दिखा नहीं कि दूर से ही नहीं है, तो ये होता था। बट हाँ, पापा एक बात हमेशा बोला करते रहे हैं बचपन से कि हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरिनाम, कि हिम्मत मत हारो और जो भी शक्ति है जिसने सूरज चांद तारे ये यूनिवर्स जिसकी भी वजह से है, इवन मैं डॉक्टर हूँ तो ये जो ह्यूमन बॉडी है अपने आप में बहुत सारा रहस्य है, तो ये जिसने भी ये क्रिएट किया है उस ताकत में, उस एनर्जी में, उस शक्ति में भरोसा रखिए और करते जाइए, आप ईमानदारी से कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। तो मैं ये उनका फंडा जो है अपने स्ट्रगल में इस्तेमाल किया। 2002 4th जैन, उसमें मुझे ओम जी के बेटे का किरदार मिला था, अच्छा अनुभव था। चीज़ें मुझे तभी नहीं पता थी, एक शॉट हुआ और जूम लेंस लगा था, आज मुझे पता है, तब मुझे कुछ नहीं पता था। एक टेक हुआ, फिर सर ने बोला कट, और वहाँ सब लोग बैठे थे, संजय दत्त साहब, जैकी श्रॉफ सर, ओम जी। फिर तीसरा टेक हुआ, फिर हुआ कट, विनीत हिलो मत भाई, हिलो मत, तुम बाहर जा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ, अगल बगल देखूँ, मतलब हूँ तो यहीं पे, कहाँ मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने पलट के बोला, मतलब सर यही तो मैंने पहले किया था। बोले हाँ, और यही मैं अब कर रहा हूँ। बोले हाँ, तो मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ? तो वो समझ गए, बोले यहाँ आओ। और सब लोग मतलब पेट पकड़ के सारे लोग हंस रहे थे और बैठा, खैर शॉट था इसलिए खुल के लोग नहीं हंसे बाद में। तो मॉनिटर दिखाया मुझे, पहले वो वाइड शॉट दिखाया जिसमें फुल दिख रहा हूँ और सब कुछ किया हुआ, और फिर टाइटर वाला दिखाया, बोला देखो अभी ये ले रहे हैं हम लोग, तो टाइट था। तो जैसे ही जाता था तो फ्रेम से बाहर जाता था, तो मैंने क्या बोला था मालूम है? बोला अरे सर ये बोलिए ना टीवी के बाहर जा रहा हूँ। वापस आया, एक टेक में हो गया। तो ऐसे सीखा सेट पर रह रहे के एक एक चीज़ें। उन्होंने एक बात बोली कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप कितने भी लो हैं, कितने भी हैप्पी हैं और कितने भी बिजी हैं, कुछ भी हो जाए काम मत छोड़ना, काम करते रहना। हाँ मतलब यहाँ से तो जोश जोश में पहुँच गया था, और वहाँ पहुँचा तो सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि मेरी एज वो वाली थी जो जिसमें बॉक्सर्स रिटायर हो जाते हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था। पहले लोगों को ये लगा कि ऐसे ही शौकिया
एक आध हफ्ते के लिए कोई आया होगा और मार मार खाएगा चला जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं थी क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि ये कौन है। मैंने कोच सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर किसी को ये मत बताइए कि एक्टर हूँ, मैं इनके जैसे ही रहना चाहता हूँ, इनके जैसे ही सीखना चाहता हूँ। एज अ बॉक्सर की जो ट्रेनिंग थी इट वॉज टफ, कि जब ये नहीं पता है कि आप कौन हैं तो वो तो नॉर्मली आपको ट्रीट करते थे और फिर मुक्के आते थे, लगते थे। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि जब मुक्का आता था तो आँख बंद हो जाती थी। जब आँख खुली रहने लग गई, बिकॉज न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मेरा हार्ट अगर धड़क रहा है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वैसे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बॉल आती है तो ये होता है। तो जैसे ही बॉक्सर्स को ये पता चल जाता था कि उन्होंने ये किया और मेरा ब्लिंक हुआ, वो समझ जाते थे। फिर वो एक मुक्का बस डराने के लिए मारते थे, जैसे ही आँख बंद होती थी 3 दे देते थे मुझे और फिर ब्लड। टफ, गंगा नदी पार करना, क्योंकि उसके पहले हम उसके पहले वाली रात ऐसी थी कि हमारा कुछ 11:30-12 बजे पैकअप हुआ था और लोकेशन थोड़ी दूर थी। रूम पे पहुँचे थे आई थिंक 1 बजे तक, और पूरा उसके पहले वाले दिन हैवी ट्रेनिंग थी। पूरी बॉडी जगह जगह से ना आवाज़ आ रही थी कि कर क्या रहे हो मेरे साथ। और हम लोग वहाँ पहुँच गए, कुछ मॉर्निंग के कुछ शॉट्स वगैरह हो गए, फिर हम लोग 9-10 बजे तक वो गंगा वाला सीन शुरू हुआ और लिटरली गंगा में बीच में फेंक दिया गया, आप तैरो। स्विमिंग पूल में तैरना एक अलग बात है, गंगा नदी जहाँ पे आप गुड़प हुए तो गए। गोल्ड रीमा कागती की फिल्म है अक्षय कुमार सर के साथ, और वहाँ मैं गया था, टूटा फूटा पहुँचा था फुल के मतलब सारी चोट लगी हुई थी। यहाँ आया और दूसरे तीसरे दिन हम लोग फ्लाई कर रहे थे यूके के लिए, तो मैं डर के मारे किसी कुछ बता नहीं रहा था कि इंजरीज़ हैं, बहुत सारी इंजरीज़ हैं, क्योंकि मैं फ़िल्म छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे बहुत समय के बाद अच्छे काम मिले थे, मैं करना चाहता था। हाय, मैं मुक्काबाज विनीत कुमार सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्म कंपेनियन।